पे ठीक है, टेम्पररी रास्ता नहीं तो फिर जाने आने का रास्ता किधर से होता? बिल्कुल, बहुत खुश है भाई, इस पर चढ़ के जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ये पार्क का एरिया है, नहीं दिक्कत क्या होगा। हम अब मेट्रो बन रहा है तो बढ़िया ना है, आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग तो और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे 4-5 साल के बाद। नमस्कार, मैं आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, हम लोग आ चुके हैं बुद्धा स्मृति पार्क के पास, जहाँ पे एक नया रास्ता बन चुका है क्योंकि मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, इसीलिए एक न्यू रास्ता बन चुका है। वो रास्ते को भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर ये रहा पार्क, अगर इसके राइट देखते हैं, पार्क के राइट उस तरफ देखते हैं, तो उस तरफ जो बाउंड्री दिख रहा है वो पार्क का एरिया है, जहाँ बाउंड्री लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि उस तरफ बाउंड्री लगी हुई है, जो पार्क का एरिया है उसके अंदर। और अगर इस तरफ देखते हैं, पार्क के लेफ्ट साइड देखते हैं, तो यहाँ से मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे बाउंड्री तोड़ दिया गया है, जहाँ से देख सकते हैं कि रास्ता ये हुआ करता था सामने से, और अब हल्का सा टिल्ट होना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधे जाइएगा तो यहाँ से रास्ता शुरू होता है। और ये जो एरिया आप देख सकते हैं, जो एरिया है, ये पार्क का एरिया था। आगे हम चल के वो भी दिखाएंगे कि किधर से जो है गाड़ियाँ, देख सकते हैं कि बाइक हो गए, ऑटो हो गए, इधर से पास करें। और ये जो एरिया था वो बुद्धा स्मृति पार्क का एरिया था, जहाँ से बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इससे क्रॉस नहीं कर सकते लोग, इसीलिए इस तरफ से एक रोड बनाया गया है, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं होगी आगे जाने में और क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखिए गाड़ियाँ पास कर रही है किस तरह से, और आगे से देखिए लोग भी इधर से चल के आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि देखिए इधर से गाड़ी पास हो रही है। आप एक भैया भी हैं, एक मिनट रुक जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पटना मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, इसकी वजह से जाने में आने में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन जरूरी भी है, अभी काम है, जरूरी भी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जरूरी है, जरूरी है। और ये जो रास्ता इधर से पास करता था, सामने से गाड़ियाँ पास करती थी, अब ये एरिया है बुद्धा स्मृति पार्क का, तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? नहीं, अभी तो तत्काल सही हुआ, क्या कि जरूरी है, इसके लिए जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, एक उपाय है, लेकिन ये जरूरी भी है, लेकिन ये एक उपाय बन गया। हाँ, बाद में तो फिर जैसा रहेगा वैसा तो हो जाएगा ही। हाँ, तो देखिए एडजस्टमेंट कितने अच्छे तरीके से की गई है कि पार्क का एरिया आप इधर देख सकते हैं कि ये वाला जो बाउंड्री है, यहाँ से बाउंड्री तोड़ दिया गया है, उस साइड से बाउंड्री तोड़ दिया गया है, जहाँ से गाड़ियाँ पास कर रही है अच्छे तरीके से, और लोगों को परेशानी कम हो रही है और लोग अच्छे से आ जा पा रहे हैं, तो ये दिक्कत नहीं हो रहा है किसी लोग को, ये दिख रहा है, क्योंकि जाम भी लग जाता है अगर देखा जाए तो, उधर से जाम भी लग जाते हैं, और लोग यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पास कर रहे हैं। वहाँ पे अंकल भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि पटना मेट्रो का काम शुरू हो गया। अंकल खुश है? नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है काम। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, साइड हो जाइए, जल्दी से काम कंप्लीट हो जी, जल्दी से मेट्रो चालू हो। और जो आप जिसमें आप चल रहे हैं, जिधर चल रहे हैं, ये तो बुद्धा स्मृति पार्क का एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तोड़ के अच्छा किया गया है। नहीं, अभी तो ठीक है, टेम्पररी रास्ता, नहीं तो फिर जाने आने का रास्ता किधर से होता? जाम भी लग जाता है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ जो है पास कर रही है यहाँ से, और बहुत अच्छा ये डिसीजन निकाला गया है, और यहाँ पे जो रास्ता तोड़ा गया है वो बहुत देखे। और आगे चल रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहाँ से शुरू था, जो गेट है वहाँ से शुरू है, और वो लास्ट आपको दिख रहा है, वो भी एक गेट है, लास्ट दिख रहा होगा जो गेट है, वो बुद्धा स्मृति पार्क का गेट है, जहाँ से गाड़ी जो है पास कर रही है, लोग आ जा पा रहे हैं बहुत ईजिली। और इस तरफ जो ये आपको आप देख सकते हैं, इस तरफ जो ये बोर्ड लगा हुआ है, जो पटना मेट्रो का काम शुरू है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसके एकदम पीछे ये पार्क है, बुद्धा स्मृति पार्क है, जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और इधर गाड़ियाँ चल रही हैं। और आगे बढ़ के देखेंगे तो आपको दिखाएंगे कहाँ तक ये रास्ता जाता है और कहाँ तक निकल जाता है। बुद्धा स्मृति पार्क से ये रास्ता शुरू है, उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि कहाँ तक ये रास्ता ख़त्म होता है। ये जो देखिए अंकल सामने से आ रहे हैं, नाम क्या? राणा प्रताप जी। राणा प्रताप, ये पटना मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, तो खुश हैं इससे? बहुत खुश है भाई, इस पर चढ़ के जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, दिक्कत हो रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी जो हम लोग घूम रहे हैं, जहाँ आप चल रहे हैं, हाँ हाँ, ये तो पार्क का एरिया में चल रहा है। पार्क का एरिया है, तो दिक्कत हो नहीं रहा है? नहीं, दिक्कत क्या होगा। हम अब मेट्रो बन रहा है तो बढ़िया ना है, और अच्छा कर दिया, इजी हो जाएगा, आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग तो और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे 4-5 साल के बाद, लेकिन मेट्रो का लुफ्त उठाना है, बूढ़े भी हो जाएंगे।
हाँ तो मौका मिलेगा तो जरूर चढ़ेंगे। मौका मिलेगा तो जरूर चढ़ेंगे। हाँ मतलब खुश पूरा है। खुश हैं इसलिए क्योंकि मेट्रो का ये जो हो रहा है ये तो अभी 4 साल चलेगा इसका प्रोजेक्ट, 4 साल 5 साल में पूरा होगा, तब तक तो काफी ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। ये जो नया रास्ता बन गया है पार्क के अंदर, इसके लिए क्या बोलेंगे? ये तो अच्छा होगा, ये तो ठीक है, अच्छा ही है लोगों के लिए। लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि चलो जाम से बचना पड़ेगा, जो इधर से रास्ता निकल चुका है जाम से बचना पड़ेगा, और इधर से अच्छे से लोग क्रॉस कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, ट्रक भी चल रहे हैं, रिक्शा भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बसेस उधर आप देख सकते हैं कि बस जा रही है, ऑटो जा रही है, सब कुछ अच्छे तरीके से जा रहा है। देखिए रास्ता देख लिए, जो बुद्धा स्मृति पार्क के मेन गेट से रास्ता जो स्टार्ट होता है वो यहाँ ख़त्म होता है, और आगे इस तरफ जाइएगा तो आपको डाक बंगलो चौराहा मिलेगा, अगर इसको बोल सकते हैं टेम्प्रेरी रास्ता है जो लोग आ जा सकते हैं उन पर, और आपको इस रास्ते को अच्छे से दिखाते हैं जहाँ से गाड़ी पास हो रही है उस तरफ से, इस तरफ जो लोग हैं वो ईजिली आ जा पा रहे हैं, और वहाँ पर मेट्रो का काम शुरू है, इसी वजह से ये टेम्प्रेरी रास्ता बनाया गया है। आप लोगों ने देख लिया रास्ता और कैसे हैं यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, और उधर मेट्रो का काम शुरू हो गया, इसलिए ये टेम्प्रेरी रास्ता है जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग ईजिली आ जा पाएंगे, ज़्यादा क्राउड का सामना नहीं करना पड़ेगा, जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया तो बस हमारा लाइव सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।